राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। संतोष आदर्श विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लिया। संतोष आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य देव्यारूणवाल ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी का राजस्थानी परंपरा के अनुसार माला और शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। विद्यालय के संचालक श्याम सुंदर रूणवाल व संरक्षक गुलाब चंद रूणवाल ने अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में आए हुए जनप्रतिनिधियों का स्वागत इसी अंदाज में किया गया। सांसद दिया कुमारी व सांसद भागीरथ चौधरी ने सरस्वती वंदना के बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद दिया कुमारी व भागीरथ चौधरी ने संतोष स्पोर्ट्स एकेडमी का भी फीता काट कर शुभारंभ किया। स्पोर्ट्स एकेडमी के नवनिर्मित परिसर में बच्चों द्वारा स्केटिंग का शानदार प्रदर्शन करने पर उपस्थित लोगों सहित सांसद का मन मोह लिया। सांसद रत्नों को भी सम्मानित किया गया। संतोष टैलेंट हंट प्रतियोगिता में प्रथम विजेता रहे प्रतिभागियों को सांसद दिया कुमारी व भागीरथ चौधरी ने 18 साइकिल पुरस्कार में दी। विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम के दौरान शानदार प्रस्तुति दी। सांसद दिया कुमारी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और जल्द ही पुष्कर मेहता रेल लाइन का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिलान्यास करवाने का भरोसा दिलाया। सांसद दिया कुमारी ने वार्षिकोत्सव के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच रूबरू होकर मन की बात की। राम द्वारे तुम रखवारे होती ना गया बिन पैसा रे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम अखबार को एक नया आयाम देने वाले रामकिशोर जी तिवारी उनके बाईं तरफ विराजमान है हुकुमनामा समाचार के इलियास जी और हम सभी के बीच में प्रधानमंत्री हैं और हम सबको गर्व है कि ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला। इस नेतृत्व की आवश्यकता थी इस देश को। ये सारा कुछ जो इतने वर्षों से हो रहा था, ये भ्रष्टाचार, देश के साथ खिलवाड़, इतिहास के साथ खिलवाड़, ये सारी चीजें मोदी जी बदल रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की। नवल होकर पुराना जा रहा है, तुमको सूचित हो, पुनः मौसम सुहाना आ रहा है, तुमको सूचित हो, जिसे सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, ये हमेशा क्या गाते रहते हो, जिसे सुनकर कभी तुमने। संस्थान के वार्षिक उत्सव व जो आज आपने स्केटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया उसके शुभारंभ में मेरे साथ मंच पे विराजमान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी साहब, बहुत बहुत आपका आभार, आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत। हमारे प्रधान प्रतिनिधि मदन जी गोरा साहब, विद्यालय के संरक्षक श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, हमारे यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण यहाँ विराजमान, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत, और मीडिया के सभी बंधुओं, सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही आज शुभ अवसर है और मेरे लिए भी बहुत शुभ अवसर है। मैं शायद पहली बार यहाँ पर विद्यालय में आई हूँ और सभी छात्र छात्राएं बहुत ही प्रसन्न हैं, उनका ही दिन है आज। मुझे लगता है कि हमको ज्यादा आज भाषण देने, उसी वजह से हर गांव, नाड़ी, शहर, हर मोहल्ले में सरकारी विद्यालय खुले। तीसरा उनका सपना था कि देश की नदियां जुड़नी चाहिए। यदि देश की नदियां जुड़ जाती, हर हाथ को काम मिल जाता, हर खेत को पानी मिल जाता, नौजवान को रोजगार मिल जाता, बेरोजगारी खत्म हो जाती, गांव में खुशहाली आ जाती। पर दुर्भाग्य से अटल जी प्रधानमंत्री वापिस नहीं बन सके, मनमोहन सिंह जी पधार गए और 10 साल तक मौन रहकर और इस देश को जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया नदियों को जोड़ने का, वो नदियों को जोड़ने की योजना ठंडे बस्ते में चलेगी। अभी रेल का आपने किया है, उसके बारे में क्या जानकारी है मैडम?
उसके बारे में ये है कि पुष्कर मेघता रेलवे लाइन है, उसका सर्वे हो चुका है और बहुत जल्दी उसकी सैंक्शन आने वाली है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सैंक्शन भी जल्दी आए और उसका शिलान्यास कार्यक्रम हो। प्रयास करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कदमों द्वारा ये कार्यक्रम हो, उसका शिलान्यास हो। प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया है।